नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त सागर बुरा। तो आज यूएई में इस समय फिर आ गया हूं रेगिस्तान में। आज है 21 जनवरी 2022 का दिन और आज इतना ठंडा है यूएई में। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और आकाश में भी बादल लगे हुए हैं। ऐसा तो मुझे जब मैं हिमालय में गया था, इतना ठंड यहाँ पर है, कसम इतना ठंड है। तो देख लीजिए इस चारों ओर का नज़ारा, कभी धूप खिलती है कभी बादल आ रहे हैं। आजकल ऐसा ही है इस ठंड के मौसम में, काफ़ी तेज़ी। इतना बड़ा स्वेटर लगा के फिर भी मुझे तेज़ हवाएं अंदर को एकदम स्पीड में मार रही है। अब बात करते हैं यहाँ का कैसा है सिस्टम। तो देखिए, गर्मी के मौसम में अब से आने वाले हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये महीने इतने खतरनाक गर्मी होते हैं। इस महीने में जून जुलाई और अगस्त, ये तीन महीने तो काफ़ी तेज महीने। उस समय इस मिट्टी में, यहाँ की भाषा में से रमल कहते हैं, इस मिट्टी में अगर अंडा डाल दिया जाए तो भी अंडा पक जाता है। ज़्यादा नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, इतना बहुत तेज़ गर्म होता है यहाँ। अभी ठंडी के मौसम में तो काफ़ी तेज़ ठंडी, फिर हवाएं भी तेज़। आज काफ़ी सुबह से बहुत स्पीड में हवाएं चल रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकला, आज घूमने भी नहीं गया। तो अभी शाम के समय आया हूँ इधर घूमने, तो भी फिर भी इतनी ठंड है कि जिसको मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एरिया पूरा रेगिस्तान एरिया है। इस जगह का नाम अलरीप बोलते हैं। अलरीप का मतलब होता है समुद्र से छोड़ा हुआ जगह। तो यहाँ पर पेड़ पौधे जितने भी है सारे, ये जो छोटे छोटे ऐसे वाले पौधे के अलावा और दूसरा पौधा यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। और अगर इसी वे में आप जितने भी प्लांट देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, ये सब लगाए हुए हैं नर्सरी करके। पहले इनका लगाए हुए हैं पौधे हैं यहाँ पर, इनकी सिंचाई होती है लगातार सिंचाई, उसके बाद में खाद मल वगैरह इसमें डालते हैं और तब यहाँ पर इन पौधों का अच्छे से यू में हरियाली है। तो अब क्या करें, ये सब करने के लिए सारे नेपाल के और इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ये सारे लेबर यहाँ पर आते हैं। यही यहाँ पर इतनी गर्मी झेल सकते हैं, बाकी दूसरे कंट्री के लोगों का यहाँ पर इतना गर्मी झेल पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, एक और बात बता देना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसे जगहों में सांप नहीं होते, लेकिन सांप होते हैं, सेम इसी कलर के सांप होते हैं, जिनको पहचान पाना नामुमकिन है और उनका जहर भी काफ़ी तेज होता है दोस्तों, इसलिए जगहों पर बचना चाहिए। जूतों के साथ में आना चाहिए, लेकिन मैं गलती से चप्पलों के साथ में आ गया। तो आज जिधर भी जाओ इतनी कह रही है, लेकिन क्या करें, आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा है, बादल पीले पीले कलर लिए हुए हैं। इसोर एयरपोर्ट का नज़ारा और एयरपोर्ट के नज़दीक ही कुछ काले बादल। तो चलिए चलिए, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो आपको, तो कमेंट करके हमें बता दें। और इसी प्रकार के और भी वीडियोस सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें गाइड करते हैं कैसे कैसे वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ऐसे रेगिस्तान के आंधी तूफान को देखते रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय। गो प्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।